कर दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड आप देख रहे हैं अप्रेंटिस साल यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लंबे समय बाद अगेन DRDO के सेट से हमें अप्रेंटिस देखने को मिले। अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है एंड इस बार जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है वो है ADRE, जो उनका एक अलग सा डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपर है, जो कि पुणे में लोकेटेड है। उसके सेट से यहाँ पास वैकेंसी आई है जो ITI की स्टूडेंट है जिन्होंने ITI कर लिए उनके लिए। एंड यहाँ पास अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की, वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 100 वैकेंसी आई है, जो कि अलग अलग जो 13 ट्रेड से उनके लिए यहाँ पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत ही जल्द होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ITI कर चुके हैं एंड ITI के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। एंड एक और चीज़ यहाँ पास मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो स्टाइपेंड है वो रेलवे के किसी भी जोन में के थ्रू यहाँ पर जो अप्रेंटिस के वैकेंसी निकलती है उससे कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, या बोल सकते बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आगे वीडियो के एंड तक देखते रहना। काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लास्ट डेट क्या है, कब से आप फॉर्म यहाँ पर भरने स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह आप फॉर्म भर सकते हैं एंड स्टाइपेंड क्या है एंड यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड में कितनी कैसी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना, काफ़ी सारी इन डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है वो नोटिफिकेशन जिसकी मैं अभी आपको बता रहा था, जिसके बारे में आपको बता रहा था एंड ये है DRDO के सेट से, DRDO ADRE के सेट से जो वैकेंसी आई है ITI अप्रेंटिस वालों के लिए वो ये नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है यहाँ पास 100। तो यहाँ पास तीन टाइप के वैकेंसीज निकली है, या बोल सकते हैं तीन टाइप के जो क्वालिफिकेशन उसके बेस पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें है डिप्लोमा, ITI और यहाँ पास है ग्रेजुएट। तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, ITI है, डिप्लोमा है, वो अलग अलग यहाँ पास अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज में। एंड इस तरह यहाँ पास टोटल ITI वालों के लिए 25 वैकेंसी है एंड यहाँ पास टोटल 13 जो ट्रेड्स हैं, जो 13 ट्रेड होती है ITI में, इससे और ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं, तो यहाँ पर जो 13 ट्रेड है उनको यहाँ पास मेंशन किया गया है, बोल सकते हैं उनके लिए वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर जो 13 ट्रेड है उनके लिए यहाँ पास किस तरह है, क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पास देखेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें स्टाइपेंड की, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास 10,000 पर मंथ ITI वालों को मिलेगा एंड डिप्लोमा या ग्रेजुएट, या बोल सकते ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो 12,000 और यहाँ पास 11,000 का है आपका। तो ITI के लिए है, अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं या बोल सकते थे एंड यहाँ पास अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पास 10,000 पर मंथ आपके स्टाइपेंड होने वाला है। एंड इसका जो प्लेस है वो लोकेशन है कहाँ है इसका, अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं इसमें, तो आपका जो अप्रेंटिस की जो वर्क है, एक साल जो पूरा होने वाला है, वो आपको पुणे में होगा एंड पुणे में आपको यहाँ पास जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पासन जो पुणे है वहाँ इसका लोकेशन है। एंड अप्लाई करने के लिए वही नॉर्मल सी जो चीज़ होती है, हमारा जो प्रोसीजर होता है अप्रेंटिस इंडिया का पोर्टल, नेप्स का जो पोर्टल होता है, वहाँ पर जाके इसको अप्लाई करना है। कोई भी यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले हैं, टोटली फ्री है, यहाँ पर फ्री है ये। एंड यहाँ पर जो डेट है, बोल सकते जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का एंड लास्ट डेट है, वो 20 से लेकर 30 मई का है एंड आज 21 मई हो चुका है एंड यहाँ पास 30 मई, या बोल सकते हैं 30 मई यहाँ पास लास्ट डेट होने वाला है। तो आप लोग इसमें इजीली फॉर्म भर सकते हैं अपना एंड जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी आपके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी होने वाली है अगर आप ITI कर चुके हैं एंड डिप्लोमा या आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। तो इस तरह यहाँ पास और भी काफ़ी सारे जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं जो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट है वो मेंशन किया गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बोल सकते हैं कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पास ईमेल ID एंड नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी गई है, जहाँ से आप अपनी क्वेरी वगैरह जो है क्वेश्चन है उसको आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने था एंड हाँ, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आपको सीधा यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्रेंटिस इंडिया का जो पोर्टल है उसमें अपना प्रोफाइल वगैरह बना के उसको कंप्लीट करना है एंड वहाँ पर स्टेबलाइजेशन वाले जो सेंटर या बोल सकते हैं जो स्टेबलाइजेशन कोड होता है, वहाँ पर जाके आपको सीधा अप्लाई करना है एंड इसी तरह नॉर्मल सा प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए। एंड इसके अलावा कोई और भी अदर चीज़ें है नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई करने के प्रोसेस में कैसा है।
इसके अलावा और भी ज़्यादा कुछ है नहीं अप्लाई करने के लिए, नॉर्मल सी चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतने थे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।